विकास की राह पर है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका पूरा नाम भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था, सिद्धार्थ उनका नाम था, गौतम उनके कुल का नाम था, और बुद्ध जब उनको कहा गया, जब उनको बोध प्राप्त हो गया तो वो बुद्ध हो गए। और जब ये सब चीज़ों के संकलन के बाद हम आज कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध, उनका पूरा जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। एक राजा के घर में जन्म लेना, और वो जगह बहुत उस समय आर्यवर्त का ही भाग थी, क्योंकि काशी से लगभग 100 किलोमीटर दूर इनका कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ, जो अब नेपाल में है। और जन्म के समय ही ये घोषणा करी गई, ये बात कही गई जो विद्वान थे, बोले हम नहीं रहेंगे ये चीज़ देखने के लिए, लेकिन ये बच्चा आगे चल करके या तो बहुत बड़ा संत होगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा। तो पिता क्योंकि राजा थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, तो वो चाहते थे कि वो भी उनकी तरह से ही राजा बने। तो उनको हर वैभव सुख विलास सब दिए गए, उनको दूर रखा गया जीवन की परेशानियों से, और मात्र 19 साल की आयु में ही उनका यशोदा जी से उनका विवाह संपन्न हुआ। और उन्होंने अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं देखा था, लेकिन नियति जो होती है वो बहुत बलवान होती है। और उस आयु में उनको उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक मनसन व्यक्ति को देखा, तो उनको लगा कि क्या यही जीवन है। बाल्यावस्था में है हम, और जब हम बड़े होते हैं, जवान अवस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में आते हैं, और अंत में हमारा मृत्यु को समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु करके समाप्त हो जाते हैं, तो अंत ये जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसी ज्ञान की खोज में उन्होंने अपना जीवन लगाया, और सारनाथ में उन्होंने पहला जो प्रवचन दिया, अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे 5 उनके जो पहले परम शिष्य थे जिनको उन्होंने नव ज्ञान दिया, उनमें से सभी जाति धर्म के लोग थे। वो लोग जो सब्रांत कुल की महिलाएं, ब्राह्मण, परित्याग, जो भी, उनका कोई ऐसा भेदभाव नहीं था कि भाई तुम मेरे शिष्य होगे, तुम मेरे शिष्य नहीं होगे, समानता के रूप में उन्होंने सबको देखा। उन 5 को उन्होंने नव ज्ञान दिया और उनसे कहा कि भाई अब आप जा करके पूरे विश्व में ये आप ज्ञान की ज्योति जो है वो आप फैलाइए। उनका हमेशा अगर आप देखेंगे, क्योंकि उस समय चीज़ें रिटेन में नहीं है, पाली में हालांकि उनके उपदेशों को लिखा गया है, लेकिन उस समय उन्होंने अपने जीवन को अपने कर्म से प्रभावित किया। उपदेश कम, वो मानते थे कि हमें संकीर्णवादी नहीं होना है, हमें चीज़ों को कसौटी पे रखना है, और मानव हित, सर्वजन हित में हमें अपना जीवन लगाना है। यहाँ छोटी सी चीज़ें की आती है, जब हम गौतम बुद्ध के विषय में कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, उन्होंने बौद्ध के लिए बौद्ध के जो जीवन के विषय में बहुत अच्छे से उन्होंने चित्रण किया है। उस चित्रण में उन्होंने ये कहा है कि बौद्ध को अगर हम देखें, अहिंसा है, हर जीव से प्रेम, कहीं कोई मानव का कहीं मानव से भेद नहीं, और शांति के द्वारा किस तरह से विकास की राह, किस तरह से हम अपने उद्देश्यों को, जीवन के को हम पूरा करते हैं, ये बौद्ध धर्म में सिखलाया गया है। आज देखो बड़े खुशी की बात होती है कि मैं एक जगह गया, तो वहाँ अजंता एलोरा में मैंने वहाँ देखा कि आज से लगभग, सर मैं वहाँ खुद उन गुफाओं में जाकर जब मैं देखा, आज से लगभग 1200-1300 साल पहले उन गुफाओं में बौद्ध के जीवन का जो चित्रण किया गया, तो वो देख करके खुद मैं बहुत विस्मित था। हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं अंगीकार नहीं कर पाते, ये हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं। जब मैं हाई स्कूल में था, उससे पहले बौद्ध के लिए हमने एक पाठ्यक्रम था, हमने उसको पढ़ा, और जब मैं 10th में उसमें 11th में आया, तो लाइट ऑफ एशिया करके बौद्ध के ऊपर एक इंग्लिश की बुक थी, मेरे जो भाई जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उन्होंने उसको पढ़ा होगा, लेकिन हम कभी उस चीज़ का सार नहीं समझ पाए उस समय कि लाइट ऑफ एशिया में पढ़ाई क्यों जा रही है। यानी एशिया के मैक्सिमम कंट्री इस धर्म से प्रभावित हुए, और मैं ये मानता हूं कि हमें कम से कम इन चीज़ों के भाव भी हमें बताए जाने चाहिए उस समय। और यहाँ जो मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, उसका भी एक छोटा सा तात्पर्य मेरा कहने का यही है कि जब कभी हम ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। लाइट ऑफ एशिया अगर हम पढ़ रहे हैं, तो पूरे एशिया को प्रकाश देने वाला वो उस महान व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उसको हम अंगीकार करें, उन चीज़ों को हम समझें,
कि बौद्ध आखिर बौद्ध क्यों बने, क्योंकि बौद्ध तो एक साधारण बच्चे के रूप में जन्म लिया, उनको जब ज्ञान मिला, जब बोध हुआ, तब वो बौद्ध बने, तो वो चीजें क्या थी, क्यों वो इतना सब सुविधाएं छोड़ करके उन्होंने इतना कठिन मार्ग उन्होंने तपस्या का चुना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपने जो हमारे पीछे आने वाले हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको बताना है, समाज में जो उनकी प्रेरणाएं हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमें दिए हैं, उस पर हमें चलना है। मैं तो यही कहूँगा, और आयर सिंह साहब से जरूर ये कहूँगा कि जो आपका प्रयास है सर, बहुत सराहनीय है। ऐसे प्रयास, ऐसे कदम इस समाज के लिए, इस देश के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत एक सराहनीय कदम है, और इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, और इसी साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।